उनके कार्यकाल में मेरे ख्याल से एक ऐसा पहला मामला होगा कि सड़क की चोरी हो गई। प्रदीप जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनको टिकट दिया है उसका उनको महसूस होगा कि ये गलत डिसीजन था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क, में आपके साथ शिवम वालिया। नितिन शर्मा जी दुकान पर जाकर, जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और खास बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा नितिन शर्मा जी और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आप भाजपा में रहेंगे या छोड़ेंगे? नहीं, अब तो भाजपा ने अपना कैंडिडेट प्रदीप बत्रा जी को बना दिया है और बड़ा दुख का विषय है। पूरे शहर का विरोध था, उसके बावजूद किन कारणों से बने, मेरे ख्याल से पैसा ज़्यादा काम आया इसमें। और एक आम कार्यकर्ता जो उसकी रीति नीति पे चलता है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। ऐसे में पूरे समाज के लोगों ने, रुड़की की जनता ने हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि नितिन भैया आपको चुनाव लड़ना है, हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, आपने सिर्फ खड़ा होना है। और उनकी सबकी सम्मान करते हुए हम लोग प्रदीप जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनको टिकट दिया है उसका उनको महसूस होगा कि ये गलत डिसीजन था और रुड़की की जनता हमको विजयी बनाएगी। देखिए, आपने कहा पैसा काम आया, ये जो शब्द है इससे क्या तात्पर्य समझे जनता? देखिए, इतने उन पर करप्शन के आरोप रहे, उनकी डिग्रियों को लेकर आरोप रहे, उनके कार्यकाल में मेरे ख्याल से एक ऐसा पहला मामला होगा कि सड़क की चोरी हो गई। जो सड़कें बननी चाहिए वो बनी नहीं, जो ऑलरेडी बनी हुई थी उन्हीं पे सड़कें बन गई, तो ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? दुकानों में पैसे लिए गए वो नहीं पूरे। और रामनगर का तो यहाँ का दुकानों का जो मैटर है कि उन्होंने जिन चीज़ों के पैसे लिए रसीद काटी और वही काम नहीं हो पाया, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। देखिए, अब आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी और दल में जाएंगे? नहीं, देखिए, हमारी जो विचारधारा है जिस पे हम लोग बड़े हुए हैं और जो हमने आज तक सीखा है उसके समीप भारतीय जनता पार्टी थी, तो इसलिए हम उसमें काम कर रहे थे और उस विचारधारा के समीप कोई और पार्टी नहीं है, इसलिए हम लोग निर्दलीय चुनाव में जाएंगे। देखिए, अगर मैं बात कहूँ, प्रदीप बत्रा जी ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर दी है, अब आपने कहा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो कब करेंगे नामांकन की प्रक्रिया पूरी? हम लोग कल कर रहे हैं। कल कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये भी आ जाता है कि एक निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व पिछले 10 साल से रुड़की की जनता पे है, तो ऐसे में कैसे आप टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ये चुनाव जो है ये रुड़की की जनता लड़ रही है और रुड़की की जनता ने मन बना लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है रुड़की की जनता विजयी होगी। रुड़की की जनता विजय होगी, तो रुड़की की जनता के मन में कौन है? रुड़की की जनता के मन में, आप रुड़की की जनता से पूछिए। नितिन शर्मा जी मन में बसते हैं जी। तो मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ और बाकी पूरा चुनाव जो है, देखिए मेरे पे ना तो इतना पैसा है, ये पूरा चुनाव जो है ये यहाँ की जनता लड़ रही है, यहाँ के मेरे भाई लोग लड़ रहे हैं, इन्हीं के आग्रह पे मैं खड़ा हूँ। हाँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि रुड़की की जनता मुझे इस पूर्ण आशीर्वाद। स्वयं एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और अगर कांग्रेस पार्टी किसी ब्राह्मण को चुनावी मैदान में उतार देती है तो फिर विधानसभा की ओर जो रास्ता है वो मुश्किल हो सकता है। देखिए, मैं जन्म से स्वयं सेवक हूँ और हमने कभी भी सिर्फ जाति आधारित राजनीति नहीं की है, समाज का काम किया है, हमने हिंदू समाज का काम किया है, सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए काम किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण सनातन धर्म को मानने वाले हर एक व्यक्ति मुझको क्या नाम है विजयी बनाएगा। देखिए, एक सवाल हो रहा है, कुछ दिनों पहले खबरें आई थी जब घोषित किया गया था प्रदीप बत्रा जी को, उसके बाद भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो आपको मनाने भी आए थे, तो देखिए आप क्यों नहीं माने? क्योंकि 2017 से लेके देखा गया है ना, जिसको टिकट नहीं मिलता उसे संघ में कुछ ना कुछ पद जरूर मिल जाता है। देखिए, हम कोई दायित्व के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारी विचारधारा है उसको क्रियान्वित करने के लिए हम राजनीति में जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है रुड़की की जनता विजयी बनाएगी, तो उसको हम धरती पे लेके आएंगे। अच्छा, भाजपा आपको मनाने आई थी, कामयाब हो पाई या नहीं? देखिए, वो तो उनकी एक नेचुरल प्रक्रिया है, हम लोगों ने उनसे लगातार निवेदन कर रहे थे और विधायक जी के अगेंस्ट में भी जो जो चीज़ें थी वो लगातार सब लोग उनके आगे लेके जा रहे थे और उन लोगों ने पता नहीं क्या समझ कर उन्हीं को ही विश्वास जताया है, तो हम लोग चुनाव में। तो अब क्या संदेश है जनता को, क्योंकि 14 फरवरी को चुनाव है? मेरा संदेश सिर्फ इतना है, जिस विचारधारा के लिए हम पार्टी को वोट करते हैं उस विचारधारा को वास्तविकता में हम लोग लेकर चल रहे हैं और एक बार मेरे पे पूर्ण विश्वास कीजिए, मैं वास्तविकता में उसको जमीन पे लेके आऊँगा उस विचार को। देखिए, ये थे नितिन शर्मा जी, जिन्होंने द न्यूज़ वाला नेटवर्क से खास बातचीत की और जिनका कहना था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं रुड़की में उन सबको पूरी करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।